I am really honored to be here, to be present in this knowledge oceans. I am really awe-inspired, I must say. Because I really didn't know the lady, I knew Samta. I have done few events with her before. She has always organized very beautiful events. And there is a sort of relationship in which I just came with a single word of hers. And I never knew her mother is such a visionary. Because till the time she came, we were sitting together. And she explained mostly about this institution. And then she told me that this was a, basically this is an industry state. It was a workshop. And this particular space is so beautifully used. तो पहले तो हमारा वर्कशॉप था, हम ये बनाते थे बीएसटी की बसेस. फिर वो बिजनेस धीरे धीरे कम होता गया, तो फिर मैंने सोचा कि इट इज़ अ गुड एकोमोडेशन, अच्छी जगह है, यहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ. लोग जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते कोवर्किंग स्पेस, वो यहाँ आए, यहाँ पे काम करें, हम बहुत कम कीमत में उन्हें ये फैसिलिटीज़ देते हैं. दूसरा ये कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सेल्फ स्टडी यानी तो आप खुद आइए, यहाँ पे पढ़ाई करिए, यहाँ पे रिसर्च करिए, कंप्यूटर के थ्रू आप कुछ सीखने की कोशिश करिए, और बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप शांति से बैठ के यहाँ लर्न कर सकते हैं. यू कैन बी ऑन योर ओन. सेल्फ स्टडी सेंटर आपने बताया है, तो क्या यहाँ पर बुक्स वगैरह भी? ऑफ कोर्स होगी. किस तरह का प्लान चल रहा है? यानी कि यहाँ जो रिसर्च करना चाहेंगे उनके लिए यहाँ रेफरेंस बुक्स होंगे वेरियस टाइप के. वैसे ई बुक तो ऑनलाइन है, पर वहाँ पे कैसे होता है कि यू गेट सम चैप्टर, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ बुक. यहाँ पे रेफरेंस बुक जब होगा तो आप उसे खोलेंगे तो वो तो पढ़ेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे. तो इससे ये होगा कि आपका नॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से, इट विल गो टू परफेक्शन. दैट इज़ व्हाट वी फील. फीस के बारे में बताया कि काफ़ी नॉमिनल होने वाला है, जी. तो अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहे, और जो सेल्फ स्टडी जो बच्चे आएंगे, छात्र जो आएंगे, क्या उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह होने वाला है, क्या है उसके बारे में? वैसे हमने कॉस्ट वैसे भी बहुत कम रखी है, वो है 50 रुपीज़ पर विथ ऑल दीज फैसिलिटीज. वी विल प्रोवाइड देम विथ कंप्यूटर इफ दे वॉन्ट. If they want to bring their own computer, also welcome. और अगर कोई 50 घंटे इसे बुक करता है तो उसे 40 में मिलेगा, 40 रुपीज़ पर. अगर कोई 100 घंटा बुक करना चाहता है सो ही विल गेट फॉर 35. इस तरह से डिस्काउंट देंगे हम. किस तरीके के स्टूडेंट्स तक आप लोगों से मिले हैं या आना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आफ्टर 12th योर रियल लाइफ एजुकेशन वाइज, या फिर कोर्सेस आपको कोई सीखने हैं, आपको स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए, तो उसकी हर तरह से यहाँ मदद की जाएगी. यहाँ हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें हम डिजिटल बोर्ड रखेंगे. थ्रू दैट डिजिटल इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड यू कैन एक्सेस any type of studies, expert opinion and all sort of help from experts. Marketing किस तरह से करने वाले हैं, इसके बारे में? Marketing का ऐसा है, we are doing social media marketing, वो भी कर रहे हैं हम. और बाकी के जो sources हैं, जैसे कि papers हो सकते हैं, या फिर हम ये इंसर्ट्स वगैरह भेजते हैं, तो सम ट्रेडिशनल वे एंड मोस्टली सोशल मीडिया.
स्टूडेंट्स की बात की है आपने, तो क्या कॉलेज वगैरह में भी टाई अप किया जाएगा? बिल्कुल, वी आर ट्राइंग टू रीच कॉलेजेस, उन्हें हम बताएंगे हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं और वो कैसे उनके काम आ सकती है। सो वी आर गोइंग टू डू प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन कॉलेजेस। टीचर्स वगैरह भी होंगे यहाँ? टीचर्स होंगे ऑफकोर्स, पर ज़्यादा हमारा एम्फोसिस रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन एक्सपर्टीज। ओके, मीटिंग के लिए कैबिन्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बारे में कुछ बताओ। तो मीटिंग का ऐसा है कि वी कैन प्रोवाइड केबिन्स, दोज हु वांट टू हायर दे कैन मेक यूज ऑफ दोज केबिन्स। वी ऑल्सो हैव कॉन्फ्रेंस रूम, सो दैट ऑल्सो कैन बी मेक यूज ऑफ। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑफिंग में भी है। सो जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ता जाएगा, वी विल मेक अवेलेबल एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी ओर से, आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी देखो लेडीज़ लोगों ने आगे आना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, और जब तक वो लेडीज़ आगे नहीं आती तब तक कुछ होता नहीं। सो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय। कुछ गाइडेंस आपकी ओर से दिया जा रहा है, कुछ टिप्स दिया गया है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, इसमें क्या है कि इसमें ऐसा है कि यू हैव टू गिव ए फ्री हैंड। तो फ्री हैंड देने से वो उनका जो इंटेलेक्ट है उसको स्कोप मिलना चाहिए। संता जी, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले शुभकामनाएं, मतलब इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मुझे लगता है ये पिछले एक साल से इस पर काम कर रही है, तो कॉन्सेप्ट बनाना, और फिर पहले इन्होंने सेल्फ स्टडी सेंटर के बारे में सोचा था, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे चीज़ें बढ़ती गई आगे, फिर हमने इसके बारे में सोचा था, कोवर्किंग स्पेस के बारे में। तो कोवर्किंग स्पेस भी बहुत, मुझे लगता है बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कम उम्र के होते हैं, उनके पास उतनी फंडिंग नहीं होती है खुद का एक सेटअप बनाना या स्टाफ रखना। तो जैसे इन्होंने बोला 50 रुपये में इन्होंने एक सीट रखी है, तो उतना ही कॉम्पिटेंट प्राइस उन्होंने कोवर्किंग के लिए भी रखा हुआ है। तो जैसे, और कोवर्किंग का मुझे लगता है फ़ायदा ये होता है कि हम जब सब मिलके साथ में काम करते हैं तो नेटवर्किंग होती है वहाँ पे, कुछ और एंटरप्रेन्योर्स से आप जुड़ते हो, आपका बिजनेस ग्रो होता है। तो ये मुझे लगता है कोवर्किंग स्पेस का बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इनके साथ। मैं मार्केटिंग में हूँ, तो ये जो इवेंट है ये हमने किया हुआ है, तो हमारा ऐसे कि आगे जाके हम और इस तरह तरीके के इवेंट्स वर्कशॉप्स करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉपर्टी पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज की। तो ये नवी मुंबई में होगा या और भी जगह आप लोग? फिलहाल हम नवी मुंबई में ही फोकस करेंगे, इसका हम 1-2-3 साल रिस्पॉन्स देख कर फिर हम दूसरी जगह पर एक्सपैंड ट्राई करेंगे। ओके, 5-year टारगेट की अगर बात करें तो कहाँ पर आप देख रहे हैं? आफ्टर फाइव ईयर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है और हम उन्हें कम कॉस्ट में ये अवेलेबल कराएंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू ग्रो, आई एम वेरी श्योर। और जैसे ही ये ग्रो होता जाएगा, सो वी विल ट्राई टू ओपन न्यू ब्रांचेस इस तरह की, एंड आई एम श्योर 5 सालों में बहुत कुछ बढ़ने वाला है। तो केवल ब्रांचेस के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर फ्रेंचाइजी का भी कुछ ऑप्शन है? हाँ, वो भी ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, दैट इज़ व्हाट वी आर एमिंग, कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। संता जी, ओपनिंग के लिए मिलिंद जी आए हुए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मिलिंद जी हमारे साथ, ये 3रा इवेंट है उनका साथ में, तो पिछले इवेंट में अश्मिक जी थे, मिलिंद जी थे, तो बहुत ही हमारा वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल इवेंट हुआ था, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएटेड था, तो इसीलिए हमने सोचा था कि फिर से अश्मिक जी को तो आना ही चाहिए, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू ओब्लाइज एंड ही केम। ही इज गोइंग टू यूएस आई थिंक टुमारो ना, या यूएस जा रहे हैं वो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू।
हमेशा रहती है क्योंकि मैं उनके साथ तीन इवेंट से जुड़ा हूँ और संता जी का काम बहुत फ्लुएंट है और यहाँ पे आ जाने के बाद उमा जो आज ये बहुत बड़ा सपना था वो आज साकार होने जा रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए मतलब इतनी मेहनत कोई नहीं लेता, जो मेहनत की हकदार आज मम्मी है। सो डेफिनेटली इस इवेंट के लिए मुझे आज इन्वाइट किया और मैंने सबका मनोरंजन किया। सो बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। लगभग हर इवेंट में आप नजर आ रहे हैं और समता जी आगे भी कुछ कई बड़ी चीजें प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये कोलैबोरेशन आगे भी देखने को मिलने वाला है? यस डेफिनेटली मेरी तरफ से तो डेफिनेटली हार रहती है क्योंकि मैं कल भी इवेंट में था सातारा, जैसे परसों सॉरी जैसे संता जी का फ़ोन आया तो डेफिनेटली मैं वहाँ से निकल आया अभी भी। यस डेफिनेटली और हमेशा दिखूंगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल यस। यूएस जा रहे हैं आप, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस द इंडियन गवर्नमेंट का इवेंट है यूएस में जो 1 अप्रैल में मैं यूएसए जा रहा हूँ। इससे पहले भी यूएसए जा चुका हूँ, मॉरिशियस, दुबई, वहाँ पे मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है लावनी में, स्पेशली महाराष्ट्र डांस फॉर्म। सो अभी जो इवेंट वहाँ पे होने जा रहा है, वहाँ पे 550 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ से लावनी जो महाराष्ट्र की जो लावनी है वो इंडिया से मेरा नाम वहाँ पे रिकमेंड हुआ और मैं वहाँ पे लावनी प्रेजेंट कर रहा हूँ सोलो परफॉर्म। नॉलेज ओशन हा जो कन्सेप्ट छाया मैडम आणि समता मैडम यांच्या माध्यमातून जो इथे नेरूळमध्ये आहे, तर या कन्सेप्ट मला तर खरं तर फार आवडला। याच्यामागचं कारण असं आहे की हा शिक्षणाशी निगडीत आहे, हा विद्येशी निगडीत आहे आणि आपल्या देशामध्ये शिक्षणाची आणि एका चांगल्या तरुण घडण्याची फार गरज आहे शिक्षणाच्या माध्यमातून। याचं याबद्दल प्रबोधन याआधी सर्वच महापुरुषांनी दिलेलं आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी झालं, त्यानंतर ज्योतिबा फुलेंनी याच्यावरती प्रकाश टाकलेला आहे या विषयावरती। त्यांचं एक वाक्य फार महत्त्वाचं होतं ते असं मला वाटते की विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले आणि वित्त विना शूद्र कसले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। तर हे जे आहे वाक्य फार महत्त्वाचं आहे, शिक्षणाचं महत्त्व एवढं होऊ शकते हे याच्यातून आपल्याला याच्यावरती प्रकाश पडलेला आहे आणि आपल्याला वाटते की छाया मॅडम आणि समता मॅडमच्या माध्यमातून या नॉलेज ओशन हा जो कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये MPSC झालं, UPSC झालं, अशा विद्यार्थ्यांना ज्यांना घरी व्यवस्थित स्पेस भेटत नाही किंवा ज्यांना अभ्यास करायची इच्छा आहे पण त्यांना व्यवस्थित वातावरण भेटत नाही, तसं वातावरण इथे निर्माण करण्याचं काम कार्य मॅडमनी या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून केलेलं आहे, जिकडे इंटरनेट फॅसिलिटी आहे, फुल एअर कंडिशनर ॲम्बियन्स आहे, स्पेस आहे, त्याच्यानंतर इथे कोवर्किंग स्पेससुद्धा आहे, तुम्हाला काही रिसर्च करायचं असेल तर ती जागा इथे आहे, इकडे लायब्ररीसुद्धा यांनी तयार केलेली आहे। तर माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे नॉलेज ओशनला आणि कौतुकास्पद कन्सेप्ट असल्यामुळे आमचं सहकार्य नेहमीच त्यांना असणार आहे आणि आम्ही याचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार कसा करू आणि जास्तीत जास्त लोक कसे इथे येतील याच्यावरती आमचा प्रयत्न आहे। धन्यवाद। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप अगर इसमें डुबकी लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जरूर जाएंगे।